ये बात है पिछले 2 महीने की। पिछले 2 महीने से मणिपुर की न्यूज़ खूब ज़्यादा चर्चा में आपको सुनाई दे रही है। एग्जैक्ट अगर कहानी बताने की कोशिश करूँ मैं आपको, तो ये बात है 4 मई 2023 की। और 4 मई 2023 को एक वीडियो आया था, वो वीडियो किसी कारण से मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन 2 लड़कियों को रोड पे या भरे बाज़ार में, यूँ समझिएगा, नंगा घुमाया गया था। और नंगा घुमाया गया था वो वीडियो एक्चुअली वायरल अब हुआ है तकरीबन 1.5-2 महीने बाद में, यानी कि पूरा मई लगभग बीत गया है, पूरा जून भी बीत गया है, और जुलाई के अंदर आके तकरीबन अब ये 15 से 20 जुलाई का बीच की जो घटनाक्रम है ना, इसमें ये खूब ज़्यादा हिंसात्मक रूप ले लिया। और मणिपुर के अंदर हाल कुछ ऐसे जो आपको थंबनेल में दिख रहे हैं, गाड़ियाँ जल रही है, बहुत सारे पर्सनल व्हीकल्स को जलाया जा रहा है, इवन एम्बुलेंस लेके जाई जा रही है, एम्बुलेंस के अंदर जो बहुत गंभीर पर्सन लेके जाए जाते हैं, आपको ये भी पता ही है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रूप में ही होती है, चलती एम्बुलेंस को रोक के जला दिया जाता है, 6-7-8 लोगों की मौत हो जाती है। हिंसा बहुत चरम सीमा पे है फिलहाल के लिए मणिपुर में, प्रधानमंत्री जी के बयान आ रहे हैं। और मणिपुर का जब भी नाम आता है तो भारत का एक ऐसा राज्य नाम आता है जिसमें आपने मीराबाई चानू को बहुत ढंग से सुना होगा, क्योंकि वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में सिल्वर लाने वाली भारत की पहली महिला है ओलंपिक में। इनसे पहले वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज लाने वाली करणम मलेश्वरी थी 2000 के सिडनी ओलंपिक में, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर लाई थी, कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आई थी मीराबाई चानू। आप लोगों ने एमसी मैरी कॉम को बहुत ढंग से सुना होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, और वो भी अभी फिलहाल के लिए गुहार लगा रही है कि जल रहा है मेरा घर, बचाइएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्विटर पे हैशटैग ट्वीट किया है, राजनाथ सिंह जी है। तो एक्चुअली बात क्या है, घटना क्यों हुई है इतनी, ये कहानी क्या है? एक्चुअली अगर मैं सार बताने की कोशिश करूँ इस पूरी बात का, तो सार यही है कि ये सारा मामला है आरक्षण का, ठीक है ना, ये सारा मामला रिजर्वेशन का है। इस रिजर्वेशन के चलते हुए ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है। मणिपुर की अगर आप बात करते तो मणिपुर का नाम आते ही इसकी कैपिटल जो आती है वो इम्फाल है। हालांकि पता क्या चीज़ है, इलाका ये है इस प्रकार का, भी आप मुझसे पूछे कि सर ये प्लेन इलाका है या पहाड़ी इलाका है, तो मैं यूं ही कहूँगा कि ये दोनों मर्ज प्रकार का ही है, मतलब इसमें दोनों ही स्थितियाँ आती है। अगर कोर मणिपुर की बात करते हैं, बिल्कुल मणिपुर के मिड वाला इलाका जो है ना, अभी मैप दिखाता हूँ मैं आपको, वो वाला इलाका तो लगभग प्लेन ही है, जहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ढंग से होती है। लेकिन जो इलाका मणिपुर के बिल्कुल बाहर बाहर वाला है, बॉर्डर वाला, जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर किया करता है, वो इलाका पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते हुए वहाँ पे अफीम भी होता है, एक्चुअली म्यांमार वगैरह में भी अफीम के उत्पादन होता है, तो भारतीय राज्यों में भी कुछ क्षेत्रों में है ये, कहा जा सकता है। भारत में तो खैर जो कोर में, जैसे मध्य प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब है, यहाँ पे तो उपभोक्ता ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन करने वाले उस वाले इलाके, या तो अफगानिस्तान से हो रहा है या फिर इधर म्यांमार बर्मा साइड से हो रहा है, आपका कहने का मतलब। तो मणिपुर के अंदर की जो हालिया घटना या 20 जुलाई तक की घटना जो कहा जाए वो क्या है, मणिपुर में 3 मई को मैतई और कुकी, ये 2 समुदाय है, मैंने अभी कहा ना आरक्षण का मामला है क्या है, ये लेक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि वाकई आरक्षण का मामला क्या है। ये इन 2 समुदाय के बीच में हिंसा हुई, अब तक 150 के आसपास लोग, यानी 142 लोग जो है ना, इनकी मौत हो चुकी है। तकरीबन 6000 के आसपास हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं, लगभग 7000 के आसपास, 6745 लोग जो है ना, इनको गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है, ठीक है ना। और 5000 से ज़्यादा जगहों पर आगजनी की घटना हुई है, 60000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनको विस्थापित किया है। फिलहाल की करंट सिचुएशन मणिपुर की कुछ ऐसी चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ये वीडियोज़ इनको ब्लर कर दिया गया है, फोटो वीडियोस को, जहां पे लड़कियों को नंगा घुमाया गया, ऐसे कुछ घटना है। एम्बुलेंस एक जा रही थी, एम्बुलेंस को जो है ना वो सीधा सीधा यूं कहिएगा जला दिया गया, ठीक है। मणिपुर में महिलाओं से बोले कपड़े उतारो वरना मार डालेंगे, 4 मई को निर्वस्त्र घुमाया गया था, और यही है सारा का सारा पूरा मामला, इसी के कारण ही सारा आगजनी या सारी घटना अब दिखाई दे रही है। 2 महिलाओं को, एक्चुअली 3 महिलाएं थी कहा जाता है, एक महिला जिस तरीके से बच के निकली, एक के साथ तो रेप भी हुआ है, एक महिला इनमें बच गई, ठीक है। और आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद ही जो है ना, मणिपुर के अंदर, मणिपुर का जो चुराचांदपुरा नाम की जगह है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, देखिएगा, काले कपड़े पहन के ये विरोध प्रदर्शन करने आए, लड़कियों का नंगा घुमाया गया, साथ में साथ कुछ पुरुष हैं उनके साथ में जबरदस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, उनको छेड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको खैर पकड़ा गया है। उनके उनमें से एक ये थे पुलिस ने घटना के आरोपी, जिनका नाम है हुई रेम हिरदोस मेती, खैर नाम क्या ही जरूरी है, 32 को गिरफ्तार किया गया, और ये पेची अवांग लेकई के रहने वाला है। दूसरा फोटो वीडियो जिसमें आरोपी दिखाई दे रहा है, मतलब ये कुछ मैच हो रहा है, इस करके इसको तो पकड़ लिया गया है।
महिलाओं को नगन घुमाने के चलते इतना बड़ा रोष प्रदर्शन हुआ कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने कहा है सरकार को, कहा है कि देखिएगा या तो आप एक्शन लीजिएगा वरना देखो हमें लेना पड़ेगा, हम बहुत परेशान हुए इस घटना से। मोदी ने भी कहा है कि मोदी जी कहते 140 करोड़ का भारतीयों के लिए शर्मसार घटना है, मेरा खून खोल रहा है, बहुत गुस्से वाली बात है। मणिपुर पुलिस के जो किडनैपिंग और गैंगरेप हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, ठीक है ना, बाकियों की तलाश जारी है, मणिपुर पुलिस का यह कहना है। मोदी जी ने भी कहा था कि संसद के मॉनसून सेशन की शुरुआत से पहले मणिपुर की घटना है, यह बहुत ही दुखद घटना है। हालांकि फिलहाल यहां मणिपुर में बीजेपी की सरकार है तो लोग बीजेपी को बहुत अच्छे से घेर रहे हैं कि बीजेपी अपने घर में ही प्रोटेक्शन नहीं करवा पा रही, ऐसे हिंसक मामले करवा रही है। फेसबुक ट्विटर पर भी वीडियो शेयर करने पर रोक लगी है। एक्चुअली क्या है, ट्विटर के ऊपर यह वीडियो वायरल हो रहा था। अच्छा, अभी क्या है कि अगर आगे से फ्यूचर में वायरल होता है तो केंद्र सरकार ट्विटर के ऊपर भी स्पेशली एक्शन ले सकती है। मामले की एफआरआई में लिखा क्या गया था कि 4 मई की दोपहर तकरीबन 3 बजे 800 से हजार लोग जो ना कांगपोक की जिले के अंदर हमारे गांव में आ गए, बी फिनोम में घुस गए, इन्होंने घरों में तोड़फोड़ की, घरों का फर्नीचर, इलेक्ट्रिक बर्तन, कपड़े और नकदी लूटने के बाद घरों को आग लगा दी। हमें संदेह है कि हमलावर मेतई युवा संगठन, मेतई लिपुन और कांग लेपाक कनबा लुप और ऐसे ऐसे जो ना अनुसूचित जनजाति के समिति से है, ये जंगल की ओर भागे और हमें जो है ना इनमें से 56 साल के जो ना टिंगम वेफई की हत्या कर दी गई। 3 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, कहा कि अगर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा अगर ऐसा नहीं किया तो। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ही ऐसा घटना किया। अब वजह यही है, कुकी वर्सेस मेतई है, मेतई को एसटी का दर्जा देने की मांग हो रही है। हिंसा शुरू हुई है 3 मई 2023 से, 160 के आसपास मौत हो रही है, मतलब 170 से 160 170 ऐसे कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं अलग अलग, 450 के आसपास जो है ना वो घायल होते दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर की पूरी आबादी 38 लाख है। अब सारा खेल इन दोनों का ये समझिएगा, एक इसमें मेतई ग्रुप है जिसमें 53% लोग रहते हैं, एक है नागा कुकी जिसको 40% लोग है। ये ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ये वाले, ठीक है ना। ये मेतई ग्रुप है, ये कुकी ग्रुप है, ये पहाड़ी इलाके, घाटी में रहते हैं, ये पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं। ये कुछ यूं समझ के चलिएगा आप लोग, ऐसा मणिपुर का स्ट्रक्चर है आपका। मणिपुर का ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये वाला, यहां पे लोग खेती बहुत करते हैं, प्लेन एरिया है ये खेती वाला, और खूब अमीर लोग भी है, खूब पैसा इनके पास में, क्यों, खेती अच्छी होती है, एग्रीकल्चर है, जमीन है तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये बाहर वाला इलाका है, ठीक है ना, ये बाहर वाला जो इलाका है सारा का सारा, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ अफीम का उत्पादन करते हैं, मतलब अफीम जो है ना उसका लेन देन करते हैं, अफीम के चलते हुए इनके पास में बेसिकली जो है वो खूब पैसा है, अफीम के चलते पैसा, तो पैसा तो दोनों के पास में ही है और पैसा दिख भी रहा है कि इनके पास में हथियार है बहुत सारे, ठीक है ना, जो आपके राइफल वगैरह है या AK-47 है, जो ऐसे अवैध हथियार है, ये तस्करी से ही आया करते हैं इस तरीके के, और ये कहीं ना कहीं जो है ना इसकी बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो ये क्या कहते हैं हीरोइन है, गांजा है, चरस है, इसकी तस्करी किया करते हैं, इसी तस्करी के चलते इनके पास में ऐसे ऐसे क्या कहिएगा आप लोग खतरनाक प्रकार के हथियार हैं, ठीक है ना, और इसी खतरनाक प्रकार के हथियार के चलते इनका पैसा, उनका पैसा जमीन के कारण, इनका पैसा इस प्रकार से है। मेतई गुट है ना, ये मेतई लिपुन है इसके अंदर, इसमें ये सारे आते हैं आपके कुकी में, कुकी नेशनल आर्मी है और इसके अलावा जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी है, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मणिपुर में भी करंट में 16 जिले एक्टिव है, ठीक है ना, 16 जिले हैं। अब पूरी कहानी को 3-4 पॉइंट में समझ लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि एक्चुअली बात क्या थी। ये मणिपुर की आबादी तकरीबन 38 लाख है, यहाँ 3 प्रमुख समुदाय है, एक मेतई है, एक नागा है और कुकी है। मेतई ज़्यादातर हिंदू है, जो हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, लेकिन जो कुकी है, नागा कुकी, ये क्रिश्चियन को मानने वाले ज़्यादा है, मतलब क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म को ज़्यादा मानते हैं और एसटी वर्ग में आते हैं ये, यानी कि शेड्यूल ट्राइब में आते हैं ये लोग, ठीक है ना, यानी कि जो आपके बीच में रहते हैं मणिपुर के, जो भी मैंने मैप में दिखाया था आप लोगों को, ये जो खेती करते हैं ना, ये हिंदू लोग हैं, ठीक है ना, ये हिंदू है, और जो बाहर बाहर रहते हैं ना, जो अफीम वाला काम करते हैं, वो आपका मतलब है ईसाई लोग हैं ये, ठीक है ना। अब तुम्हें समझ में आ गया थोड़ा सा ये वाला पॉइंट भी, तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाले लोग हैं ना, ये एसटी है, ठीक है ना, ये क्या है, ये शेड्यूल ट्राइब है, जो ईसाई वाला है, जो अफीम वाले हैं, ठीक है ना। इनकी आबादी तकरीबन 50% और करीब, मतलब आबादी राज्य के करीब 10% इलाके के अंदर फैली हुई है। इम्फाल घाटी मेतई समुदाय बहुल है, नागा कुकी की आबादी 34% है, ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रह रहे हैं। शुरुआत यूं ही कि मैतई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा मिले, सिर्फ कलेश इसी बात का है कि वो कुकी जो है या ईसाई वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एसटी मिला हुआ है, इनको एसटी मत दो,
इनको ये एसटी का दर्जा मत दो, अगर ये दे दिया तो पूरे राज्य में यही हो गया, फिर बची क्या गया, ठीक है ना, फर्क ही कुछ नहीं रहा। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई और समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, इससे पहले जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सिफारिश कर दी मैतेई को अनुसूचित जाति दर्जा में शामिल किया जाए। क्लेश इसी से था, लड़ाई तो बहुत पहले की थी, आज की नहीं है ये, ठीक है ना, कि मणिपुर का जो ये आपका मैतेई ग्रुप है ये शामिल होना चाहिए एसटी के अंदर, लेकिन मणिपुर हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ शामिल कर देना चाहिए। जैसे ही ये बात फैसला आया तभी जाके वो नागा कुकी जो है ना इनके ऊपर आके यहाँ पे बमबार्डिंग या इस तरीके की कुछ घटना करने लगे। मैतेई जनजाति वाले मानते कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था, इसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए और इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे, इसलिए मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया है, ये सब खुलेआम हो रहा है, इसलिए नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया गया स्पेशली। नागा कुकी विरोध कर क्यों रहे हैं कि बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60-40 विधानसभा की सीट पहले ही मैतिल भूल इम्फाल है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कि इसके मणिपुर में टोटल 60 सीटें, जिसमें से बहुल जो है बहुमत जो है ना वो किनके पास में, मैतेई के पास में 40 के साथ में। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई का आरक्षण मिलने से उनको अधिकारों में बंटवारा हो जाएगा, तो सियासी समीकरण यही है कि 60 विधायकों में से 40 मैतेई के हैं, 20 विधायक नागा के हैं, तो 12 सीएम में से दो ही सीएम जो है ना जनजाति के रहे हैं, तो मतलब कहते हैं पहले इनके पास बहुत अधिकार है, अगर इनको और अधिकार दे दिया तो फिर तो ये जीने नहीं देंगे, इसलिए नागा लोग जो है ना नागा कुकी लोग हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। बस इतनी सी कहानी थी और कुछ नहीं है, फाइनल क्या होता है इसका वो तो आगे की बात है, पर बात यही है कि जो विरोध हो रहा है, जो सुलग रहा है मणिपुर, इसी वजह से ही है। शुक्रिया, राधे राधे, आपके क्या विचार है इसके लिए कमेंट में आप बता सकते हैं। शुक्रिया जी।